हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नर्मदा ईआर प्रोजेक्ट का कार्य कब तक पूरा होगा? विधायक देवल। राजस्थान विधानसभा के छठे सत्र में आज गुरुवार को प्रश्नकाल में रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल ने नर्मदा ईआर क्लस्टर का प्रश्न उठाते हुए जलदाय मंत्री बीडी कल्ला से जवाब मांगा। देवल के प्रश्न का लिखित जवाब देते हुए जलदाय मंत्री कल्ला ने कहा कि परियोजना का 70% कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अनुबंधित फर्म कार्य को बीच में छोड़कर जा चुकी है। फर्म की 20.98 करोड़ की क्षतिपूर्ति राशि विभाग द्वारा रोक ली गई है। अब जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर घर जल संबंधों द्वारा पेयजल आपूर्ति हेतु DPR तैयार कराने का निर्णय लिया गया है। DPR बनाने के लिए फर्म का चयन कर दिनांक 11/2/2021 को 233.64 लाख की स्वीकृति जारी की गई है। 2021-22 के बजट में ईआर क्लस्टर के लिए जल जीवन मिशन अंतर्गत 1,094 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। जलदाय मंत्री से पूरक प्रश्न पूछते हुए विधायक देवल ने कहा कि प्रोग्रेस रिपोर्ट के जो आंकड़े दिए गए हैं वो झूठे हैं। केवल लेबर वर्क किया गया है, टेक्निकल वर्क कुछ नहीं हुआ है। मंत्री जी इसका फिजिकल वेरिफिकेशन कराएं। इस पर मंत्री कल्ला ने फिजिकल वेरिफिकेशन कराने की घोषणा की। देवल ने फिर पूरक प्रश्न पूछा कि DPR कब तक बनवा दोगे। इस पर मंत्री ने कहा कि अगले महीने तक DPR बनवा देंगे। देवल ने फिर पूरक प्रश्न पूछा कि अब तक काम क्यों नहीं हुआ, काम में देरी होने के लिए कौन जिम्मेदार है, क्या सरकार जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित फर्म के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। देवल ने अगला पूरक प्रश्न पूछा कि जब क्लस्टर की DPR ही नहीं बनी तो सरकार को कैसे पता चला कि ये कार्य 1,094 करोड़ का हो और बजट में प्रावधान कैसे कर दिए। इतने में विधानसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल समाप्त की घोषणा कर दी। जागरूक टीवी के लिए जसंतपुरा से महेंद्र प्रजापत की रिपोर्ट।